नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसी बैंकों के बारे में जिनमें आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हो। जी दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी बेस्ट बैंक बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली हैं अगर आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में काफ़ी बैंक हैं, बट दोस्तों कुछ ऐसी बैंक ऐसी हैं जिनमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत सी बैंक ऐसी होती हैं जो हमें अच्छे अच्छे ऑफर देती हैं, अच्छे अच्छे बेनिफिट देती हैं। तो दोस्तों, उन्हीं बैंकों के बारे में मैं आपसे आज वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको उन बैंकों के बारे में बताता हूं कि आपको किन किन बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कराना है अगर आप कोई अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जो अपना एक अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है, वीडियो बनाई है कि वो अपना किसी भी बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो होता है वो आपको जीरो बैलेंस पे ओपन कराना चाहिए या फिर आपको जो दोस्तों जो बैंकों में हम जाके अकाउंट ओपन कराते हैं उसमें जो हमें पैसे दोस्तों मैनेज करने पड़ते हैं तो आपको उस तरह का अकाउंट ओपन कराना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ उन बैंकों के बारे में जो बैंक आपके लिए काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में काफ़ी बैंक हैं, बट फिर भी दोस्तों में कुछ ऐसी बैंक ऐसी हैं जो आपको अच्छे अच्छे ऑफर देंगी। दोस्तों, नंबर पहले नंबर पे दोस्तों एक बैंक आती है जो है दोस्तों HDFC बैंक। दोस्तों, इस बैंक में आप ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो जिसमें दोस्तों आपको जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन देखने को मिल जाएगा, बट दोस्तों उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो आप पे उसके दोस्तों जो चार्जेस होते हैं वो लग के आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको उसमें दोस्तों 10,000 रुपये मेंटेन करके रखने हैं। अगर 10,000 रुपये से कुछ भी पैसे कम होते हैं तो आपको उस पर चार्ज देना पड़ेगा। बट दोस्तों भाई, आप अगर एक किसी गांव क्षेत्र में रहते हो तो आप उस बैंक में सिर्फ 5,000 रुपये अकाउंट ओपन करा सकते हो। 5,000 रुपये दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑफर है, ये काफ़ी अच्छी बैंक है। बट भाई दोस्तों, अगर आप एक कुछ ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ दोस्तों कस्बा गाँव वगैरह होता है, दोस्तों आप उसी बैंक में अपना अकाउंट 2,500 रुपये में ओपन करा सकते हो। दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हो, दोस्तों HDFC में काफ़ी अच्छी बैंक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आसपास जो हाँ गांव हो दोस्तों वहां जाके HDFC बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो 2,500 रुपये में। और दोस्तों, आप जब उसमें पैसे जमा करो तो आप किसी भी ब्रांच से जाके पैसे जमा कर सकते हो और आपका जो अकाउंट सिर्फ 2,500 रुपये में ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जो एक तरीका होता है कि अच्छी बैंक में इस तरह से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो कम से कम पैसों में, जिसमें आपको सिर्फ 2,500 रुपये मेंटेन करके रखने हैं मंथली। अब दोस्तों, दूसरी भी बैंक आती है वो है ICICI बैंक। दोस्तों, इस बैंक में आपका जो अकाउंट है वो 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है। अगर आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप ICICI बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन करके रखने हैं। बट दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, आपको हर तरीके के इसमें ऑफर मिलते हैं। बट दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा ऑफर नहीं है कि आप इसमें कम से कम पैसों में अपना अकाउंट ओपन कर सको। दोस्तों, अगर आपकी लिमिट आपका बजट 10,000 रुपये है तब आप HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना अकाउंट SBI में ओपन कराना होता है। दोस्तों, SBI बैंक काफ़ी अच्छी बैंक है, बट दोस्तों उसमें भी आपको 5,000 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि आपको अपना अकाउंट बैंक जाकर ओपन कराना चाहिए या फिर ऑनलाइन कराना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा अकाउंट चाहते हो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सको, कुछ भी दोस्तों शॉपिंग कर सको, तो आपको मैं यही बोलूँगा कि आप बैंक जाके अपना अकाउंट ओपन कराओ, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको सारी बेनिफिट मिलती हैं। कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है दोस्तों वो आपके अकाउंट पर लग के नहीं आता, आप कितनी भी ट्रांजेक्शन करो। बट वहीं दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक में ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कराते हो जीरो बैलेंस वाला, तो उसमें आपको दोस्तों हर ट्रांजेक्शन पर चार्ज देने पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चार्ज लग के आते हैं। अगर आप ज़्यादा अपने जो अकाउंट होता है उससे शॉपिंग करते हो, उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, तो दोस्तों आपको चार्जेस ज़्यादा लग के आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप कुछ पैसे मेंटेन करके रखें अकाउंट में और अपना जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट दोस्तों वो बैंक जाकर ही ओपन कराएं, जिसमें दोस्तों आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी, आपको कोई भी एड चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसी बैंक, अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपके लिए कौन सी बैंक बेस्ट रहेगी। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन से, तो दोस्तों मैं ही बोलूँगा कि आप अपना अकाउंट HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक में ओपन कराओ, क्योंकि दोस्तों जियो बैंक हैं, इन पर दोस्तों अक्सर ऑफर आते रहते हैं इन दोनों ही साइड की तरफ से। आपने देखा होगा कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में दोस्तों ज़्यादातर ऑफर आते रहते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजन को लेकर। दोस्तों, अगर आप
ज़्यादा शॉपिंग करते हो तो आप HDFC बैंक में अकाउंट करा सकते हो। तो आप अपना अकाउंट दोस्तों HDFC बैंक से ओपन करा सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको 2500 रुपये में अकाउंट ओपन हो जाएगा। कैसे करना है जी मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों काफ़ी अच्छी बैंक है, आप इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। और दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट सरकारी बैंक में कराना चाहते हो तो आप SBI में करा सकते हो। दोस्तों यही 3-4 बैंक हैं जो दोस्तों काफ़ी अच्छी हैं, जिनमें आपको काफ़ी अच्छे ऑफर मिलेंगे। वैसे दोस्तों काफ़ी बैंक हैं जैसे IDBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बट दोस्तों ये जो बैंक हैं इनमें आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती और ना ही दोस्तों ये आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर कोई भी ऑफर देती हैं। दोस्तों ये 2-3 बैंक हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI, जिसमें दोस्तों आपको अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिल जाते हैं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आप अपना अकाउंट किस बैंक में ओपन करा सकते हो और कौन सी बैंक आपके लिए बेस्ट रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।